चूहे खाती हो क्या तुम लोग? नहीं नहीं मम्मी, मैं नहीं, ये जीतू, ये ना उस कोने वाले ठेले से ना चाट मोमोज पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा खाती रहती है। छी, सारा नाक सड़ा के चली गई गंदी। हेलो आंटी जी। हेलो, इधर आ इधर आ बेटे, पैर छू आके मेरे। आंटी नमस्ते। नमस्ते, मम्मी कैसी है तेरी? बढ़िया आंटी जी, वो कौन है? कौन? जीतू। ओ मेरा रोहन आ गया। वो नहीं मम्मी, नहीं वो मत बोलना, वो तो लैटरिन गई है, लैटरिन। इतनी बदबू मार के गई है ना तुम्हें, मैं क्या बताऊं। वो नहीं, जैसे चूहा मरता है ना उस तरीके की बदबू आ रही थी, अभी भी आ रही होगी। जाओ जाओ वॉशरूम के बाहर जाके सुन लो, बम पटाके की आवाज आ रही होगी, पुटक पुटक। ओह नो, पूरा गूगो पर कर दिया मम्मी ने, बेइज्जती कर आगे रख दी, मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही मैं तो। हाँ सही कह रही है। नहीं आंटी जी, मैं किसी और से मुख ले लूंगा। अरे नहीं, अरे ये तो ऐसे भाग के जा रहा है जैसे हकता ना हो। मम्मी आपको कितनी बार समझाया, वो लैट्रिन नहीं होता, वॉशरूम बोलो, वॉशरूम। अरे काम तो दोनों का एक ही है ना, नाम बदलने से क्या होगा। बड़े पैसे आ रहे हैं जो पैक लगा के बैठी है। अरे ये पैक नहीं, हैक है। ऐसे और भी बहुत सारे हैक लेकर के आए हैं हम आज की वीडियो में, और आज का वीडियो है देसी मॉम वर्सेस ब्यूटी। तो बिना देरी के वीडियो को लाइक करो और फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ चलो शुरू करते हैं। उससे पहले मुझे बताओ ना कैसे किया है ये। चला तो इस फेस पैक को बनाने के लिए हमने लिया कॉफी पाउडर और ऑर्गेनिक हनी, आप नॉर्मल हनी भी यूज कर सकते हैं, और बस इनको मिलाएं और अपने फेस पे लगा लें। ये है अच्छे दिन, नगर में बिजली है ना पानी है, क्या करे। तो मम्मी जमीन पे आके लेट जाओ ना, मस्त मजा आ रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हो गया। गरीब लोग। जी आ जाओ, बर्तन लेके पानी आ गया है। बेटा एक काम कर, तू जल्दी से जा, फिर मैं तेरे पीछे से, है ना। बाल्टी लेके। पानी नहीं आ रहा, अबे आ जा। मम्मी पानी तो आ ही नहीं रहा, रेखा आंटी ने ना आपको पागल बना दिया है। अबे आ जा। अरे बेटा ये भी भर ले। अरे अरे बदतमीज, तेरी तो रुक जा। इतनी गर्मी क्यों है, कौन सा हेयर स्टाइल बनाऊं, बंदे बाल नहीं अच्छे लग रहे। कहाँ है जीतू की बच्ची, पूरा गीला कर दिया मुझे, बदतमीज। पर तू क्यों परेशान हो रही है? मम्मी देखो ना कैसे बाल बनाओ, इतनी गर्मी है और खुले बाल रख नहीं सकते। सारे काम मम्मी करेगी अब, है ना, सीधे बैठ। अगर आपको भी गर्मियों में समझ नहीं आता कि क्या हेयर स्टाइल बनाना है, तो आप भी ये जरूर ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले मैंने बालों की पोनीटेल बना के आगे से निकाल दिए, ये फ्लिक्स्ड, जो आपको फैशनेबल भी दिखाएंगे। अब बस ये स्क्रंची लेके मैंने यहाँ पे बना दिए पोनीटेल, और इन बालों को लेके इसके चारों तरफ से ऐसे रोल कर दिया है ना, बिल्कुल ईजी। और अब बस इसको मैंने क्लिप्स की मदद से कर दिया है सिक्योर। ये देखो अब आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और आप दिखोगे अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा ट्रेंडी। ये ले, हो गया, अब इसमें तुझे गर्मी भी नहीं लगेगी और ये स्टाइलिश भी दिख रहा है, अब मत रोना। थैंक यू मम्मा, जा जल्दी। आय हाय लेट हो गया, वैसे थोड़ा सा तो टाइम है, अभी भी जल्दी से चल लेती हूँ, मौसम भी कितना अच्छा है ना आज। अरे नहीं, अरे
ये निकाल लो पहले। ये क्या बदतमीजी है, और ये क्या टी शर्ट पहनी हुई है, एक मास्क भी नहीं लिया आपने, और प्यार से नहीं मांग सकते क्या? सॉरी, क्या मुझे पर्स दे देंगी? ये लो, जब कोई काम प्यार से हो सकता है तो इतना सब क्यों करना है? थैंक यू फॉर द बैग। चलो ठीक है, वैसे अब आप ये बैग ले ही रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ना मेरा समर स्किन केयर का सामान है, बहुत प्यार से रखना ठीक है? स्किन केयर? मुझे पता ही नहीं ये क्या होता है। नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ ना। समर स्किन केयर का सबसे पहला स्टेप होता है टोनर, और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये बायोटिक का। अब मैंने इसको अपने कॉटन पैड पे लेके फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया, इससे मेरा जो एक्सेस ऑयल होगा वो रिमूव हो जाएगा और मेरे पोर्स भी क्लीन हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप होता है ये मॉइस्चराइजर जो मैंने लिया है बायोटिक का ही, और अब मैंने इसको अपने पूरे फेस और नेक पे अच्छे से अप्लाई करके ये ब्लेंड कर लिया है, और ये देखो फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सनस्क्रीन विच यू कैन नॉट स्किप, इसको भी मैंने अपने पूरे फेस और नेक पे लेके अच्छे से लगा लिया। ये हमारे स्किन केयर का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, बिकॉज दिस प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम यूवी रेज। ठीक है, समझ आ गया ना? मुझे तो बैग के साथ साथ स्किन केयर भी पता चल गया। थैंक यू सो मच। चलो अब संभाल के रखना। हाँ हाँ जरूर। बाय बाय। अरे वेट वेट वेट, ये मेरा कार्ड है, इस एरिया में जितनी भी चोरी होती है ना तो वो मैं ही करता हूँ, प्लीज अगली बार कुछ हो तो मुझे बताना। वो तो मैं बता दूंगी, पर मेरा फोन तो। ओ सॉरी सॉरी, एक काम करो, ये लो आईफोन, मुझे इससे कॉल कर लेना। ठीक है ठीक है, थैंक यू। वैसे दोबारा मुलाकात कब होगी? वो तो हम कभी मिल लेंगे, बस पर्स लटका के घूमना। चल सुनीता, आज तो अच्छी सब्जी आ गई। ठीक है कल मिलूंगी, कल चलेंगे सब्जी लेने फिर से। यार हमने तो घर का नहीं साफ किया, अब क्या होगा? धुलाई होगी, ये सब समेट दे। अभी चादर कहाँ है? इसमें डालना। उसमें क्यों डाल दी है? अब ऊपर फेंक देंगे। इसको कहाँ रखें? शादी में जाना है ना, तो मैं तुम्हारे लिए कोई जरूरी चीज लेकर आई हूँ। ये कहाँ रख दिया? रुको रुको। इस सेफ्टी पिन का क्या करूंगी? उर्फ जावेद समझ रखा है क्या कि सेफ्टी पिन का कपड़ा पहन के चली जाओ शादी में? अरे मम्मी इसे नहीं चाहिए तो क्या हुआ, मैं रख लेती हूँ। मेरी प्यारी बेटी ये गई है मुझ पे, और तेरे में तो बिल्कुल भी लक्षण नहीं है मेरे जैसे। और मैं ये कह रही थी कि आज मैं तुम्हारे लिए मटर पनीर बनाऊंगी। निकम्मी लड़कियां, मैंने सोचा तुमने सब समेट दिया होगा और पोटली बना के ऊपर रख दिया। अभी बताती हूँ मम्मी, अभी शादी के लिए भी तो जाना है और रेडी भी होना है। मुझे पहने थे हेवी इयररिंग्स और मेरे पास ये दोनों पीसेस थे। सबसे पहले मैंने छोटा वाला लिया, उसमें सेफ्टी पिन को डाल दिया है कुछ इस तरह से, और नीचे वाले पोर्शन में बड़े वाले इयररिंग्स को डाल दिया है। और देखो ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना, इसे आप किसी और इयररिंग्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो, और प्लेन आउटफिट्स पे पहनोगे ना तो बहुत प्रिटी लगेगा। ये लो, यहाँ बैठी हैं दोनों महारानियाँ, सुबह से दिमाग खराब कर दिया इन दोनों ने। लो महारानियों, खा लो मैगी बेड पे बैठ के, पढ़ के तो मुझ पर एहसान कर रही हो ना दोनों की दोनों। बाहर आ जाना, बर्तन साफ करने हैं।
वाओ मैगी कितनी टेस्टी लग रही है। सबसे पहले इसको जल्दी जल्दी खा लेने देती हूँ, उसके बाद आराम आराम से खाऊंगी इसको ललचा ललचा के। यम्मी वाओ ये मैगी कितनी टेस्टी लग रही है, मैं तो सारी खा जाऊंगी। ये इतने आराम आराम से क्यों खा रही है? कह छोड़ो मैं खा लेती हूँ अपनी मैगी। वाह आज तो पेट भर के खाया मैगी, मजा आ गया। इसे भी चाट लेती हूँ, इसे क्यों छोड़ना। ये इतने आराम आराम से क्यों खा रही है, इसकी तो सारी मैगी बच गई है। मैगी चाहिए? हाँ दे देना। चल निकल अपनी मैगी खा लेना, मैं क्यों तो अपनी मैगी, अब तो मैं और अच्छे से खाऊंगी। दे देना थोड़ा सा, क्या हो जाएगा। मैं नहीं दूंगी, अब तो बहुत ज्यादा टेस्ट लग रही है। होता है और आपकी भी नेल पेंट खराब हो जाती है तो ये हैक सिर्फ आपके लिए ही है। मैंने यहाँ पे लिया है व्हाइट नेल पेंट, आप कोई भी कलर ले सकते हो, और मैंने इसको नेल के टिप्स पे ऊपर ऐसे लगा दिया और ये देखो लग रहा है ना बिल्कुल फ्रेंच नेल एक्सटेंशंस जैसा। ये ले, हो गया ना ठीक। हर बात पे रोना थोड़ी ना जरूरी होता है। चलो अब मैं काम करने जा रही हूँ, तुम्हें तो और कुछ काम है नहीं वैसे भी। तो कैसे लगे आपको हमारी ये वीडियो देसी मॉम एंड ब्यूटी? आप इस वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देते हो ना हमेशा से, तो वी होप कि आपको इस बार भी ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कौन सा हैक आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप ट्राई करने वाले हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ढेर सारे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।